वो मुसलमान के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई तुम अपना मजहब तब्दील कर दो, और वो मजहब से करीब भी नहीं है पहले ही से, तो अगर उनको ये लालच दिया जाए कि भाई अगर तुम मजहब अपना तब्दील कर दोगे, जिसको वो कहते हैं घर वापसी, तो तुम्हें ये बेनिफिट्स हैं, तुम्हें कम से कम सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो ये चीज उनके लिए एक एडवांटेज बनती है। बाकायदा आरएसएस की तरफ से ये एक मुनज्जम प्लान है कि लड़के ऐसी लड़कियों को ट्रैप में लेकर आए, उनके साथ शादी करें, साल 2 साल के बाद उनको छोड़ दें। उनका कहना ये होता है कि जनाब अगर खुदा रहम करने वाला है तो वो इतनी तकलीफ अपने बंदे को क्यों होने देता है। हमें अबरा का वाकया भी पता है कि जी वो अबरा आया था और अबाबील ने कंकर गिरा दिए थे और भूसे का ढेर परवरदिगार आलम बना देते। तो आज बैतुल मकदस के बसने वालों के लिए जब 40,000 शहादतें हैं और शहर सफा हस्ती से मिट गया है, वो मदद आज क्यों नहीं आती कि जनाब मौत अल्लाह के हाथ में है तो सजा कातिल को क्यों दी जाती है? जब बंदा मर अल्लाह के हुक्म से रहा है तो मारने वाले को फिर सजा देना समझ नहीं आता। फिर रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो सुबह से लेके शाम तक वो क्यों कि अपने बंदे को क्यों भूखा रख। लेकिन फिर एक वाकया ऐसा आया कि जिसने मुझे इल्हाद के ऊपर काम करने के लिए उभारा। वो वाकया ये है, एक वाकया मैं आपको बता दूं जो मैंने किसी को बताया नहीं है, कहीं पब्लिकली जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं यहां मुनासिब समझता हूं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। दुनिया भर में मौजूद तमाम ही बिनौरिया मीडिया के नाज़रीन को फैज़ रमज़ान में एक मरतबा फिर मेज़बान मिर्ज़ा सुबहान बेग खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन किराम, रात का पहर वैसे तो हम सजाते हैं जनाब नशीद सीरीज़ के लिए, जिसमें हम आपको नाते सुनवाते हैं और इंशाल्लाह ताला जो हम एक कॉम्पटिशन जिसका आगाज़ करने लगे हैं उसकी भी इब्तदा होगी और वो भी सारा सिलसिला हुआ करेगा। लेकिन बताते चलें कि नशीद सीरीज़ से कबल हमने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा रखा है। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने लगे हैं कि जिन्होंने इल्हाद के मुखालिफ खड़े होके जो काम किया है उसे दुनिया भर में देखा जाता है, सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। एक जानिब डिबेटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, रिसर्चर हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको पसंद करने वाले, आपको सुनने वाले, आपको चाहने वाले मौजूद हैं। एक जानिब मुदर्रिस भी हैं, आलम दीन हैं, मुफ्ती हैं, और स्पेसिफिकली आपने अगर किसी चीज़ को टारगेट किया है तो आपने जो इल्हाद का मामला है, जो मुल्हिदीन हैं, आप उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और वो तकरार और वो इख्तलाफ और वो झगड़ा नहीं है बल्कि उनके जहनों को बदल रहे हैं, और एक बड़ी तादाद में मुल्हिदीन है, नौजवान हैं कि जिन्हें आपने कायल किया, समझाया, हकीकत से रोशनास किया और उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप ऑनलाइन सेशंस करते हैं और ओपन सेशन होते हैं, कोई भी आए और अपना सवाल रखे और आप उसका जवाब देते हैं। नामवर मजहबी स्कॉलर हैं, इंडिया से ताल्लुक़ है लेकिन इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब मुफ्ती यासर नदीम अल वाइसी साहब से। हमारे साथ इस वक्त आप ऑनलाइन अमेरिका से मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बखैर हैं, और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हैं। आपकी आमद से हम सब वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतने खुश हुए हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, दायर सी बात है। आपका एक टफ़ स्केड्यूल होता है और जितनी आपकी चीज़ें हैं उसमें उसको 24 घंटे में मैनेज करना तो हम समझते हैं नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला आपसे काम ले रहे हैं। आपने उस मसरूफ़ तरीन लम्हात में से हमारे लिए जो वक्त निकाला है शेख, उस पर मैं बहुत ज़्यादा पूरी बिनौरिया मीडिया की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपके इस चैनल पर आना मेरे लिए एजाज़ है। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, जजाक अल्लाह। शेख आपसे इंशाल्लाह जो आपका टॉपिक है उस पर तो हम बात करेंगे, कुछ सवालात हैं इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन हर इंसान की एक इनफरादी ज़िंदगी होती है जो उसने गुजारी है, जिसमें उसके उतार चढ़ाव वो देखता है, जिसमें उसके अच्छे बुरे लम्हात होते हैं। ये आलम दीन बनना और उसके बाद इस सारे सफ़र के अंदर ख़ुद को घुला देना और खपा देना, कुछ अगर आप अपनी पास की जिंदगी पर रोशनी डालें कि दीन के साथ ये रगबत कि जी मुफ्ती और आलम दीन और मजहबी स्कॉलर बनना है, ये सोच डेवलप कहां से हुई, फैमिली का क्या किरदार था, किसने तवज्जो दिलाई थी, थोड़ा सा अगर मुख्तसरन अहवाल बयान फरमाएं। जी हाँ, मेरा असल में आबाई ताल्लुक देवबंद से है,
और हमारा जो घर है वो दारुल दियोबंद से चंद कदम के ही फासले पर वाक़े है, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान में दोनों तरफ ननिहाल भी और दरिहाल भी दोनों तरफ उलमा की एक तादाद रही है हमेशा। तो माशाल्लाह इसलिए घर का जो माहौल था वो ये था कि भाई बड़े होकर मदरसे जाना है और मदरसा भी दारुल दियोबंद ही जाना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए मुहैया था नहीं, और अच्छा है कि कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो इस तरीके से हमारी दारुल के सफर का आगाज हुआ और अल्लाह ताला ने वहां तालीम मुकम्मल कराई इफ्ता समीत, और मेरी ननिहाल एक अरसे से कोई तकरीबन 40 साल के अरसे से यहाँ अमेरिका में मुकीम है। तो मैंने जब तालीम अपनी मुकम्मल की तो फिर मैं यहाँ मुंतकिल हो गया और यहाँ पर मेरी खिदमात का सिलसिला हुआ तदरीसी। लेकिन फिर एक वाकया ऐसा आया कि जिसने मुझे इल्हाद के ऊपर काम करने के लिए उभारा। वो वाकया ये है कि एक साबिक पाकिस्तानी मुल्हिद मुर्तद जिसका नाम है अब देखिए कि वो है तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, और वो बना कम्युनिस्ट और उसके बाद चला गया वो कनाडा, और उसका नाम है तारिक फतह। जी तारिक फतह ने जब इंडियन मीडिया में फेम हासिल किया, और ये उस जमाने की बात है कि जब गालिबन 2016 और 17 में इंडियन मीडिया में मुसलमानों को और इस्लामी शरीयत को खुसूसन नीचा दिखाने के लिए एक डिबेट चल रही थी, और उसमें एक खास मुद्दा था तलाक सलासा का। लेकिन उस तलाक सलासा के उनवान के तहत बहुत सारे अनामीन जैसे मीरास है और इसके अलावा दीगर जो आईली मसाइल हैं मुसलमानों के, उनको टारगेट किया जा रहा था, और तारिक फतह को मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीबन हर चैनल के ऊपर मधु किया जाता था, जी और ये कहा जाता था कि ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट हैं। तो मुझे ये हुआ कि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, तो इस ताल्लुक से कुछ जवाब आना चाहिए। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि अगर हम इसकी कुछ वीडियोज बनाए, एक वीडियो मैंने फेसबुक पर डाली, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली, और लोगों से काफी पसीराई हुई और दुआएं मिली, तो वहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। एक वाकया मैं आपको बता दूं जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, कहीं पब्लिकली जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं यहां मुनासिब समझता हूं। वो ये कि जब तारिक फतह के खिलाफ मैं अपनी कैंपेन का आगाज करने जा रहा था, तो मेरे एक साथी हैं जो इंडिया में होते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने इस्तखारा वगैरह कर लिया या नहीं कर लिया, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हो सकता है कि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, इस्तखारा नहीं किया, अब आपने चूंकि तवज्जो दिलाई है तो मैं कर लेता हूं। तो खैर मैंने इस्तखारा किया, और एक दिन मैंने देखा कि मैं एक आयत पढ़ रहा हूं, और ये आयत है सूरह शुअरा की, वतवक्कल अलल अजीज अर्रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम वतकल्लुबक फिस्साजिदीन। ये आयत मैं पढ़ रहा हूं कि अल अजीज यानी ताकतवर और रहम वाले के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लदी यरा कहीं न तकुम, जो तुम्हें देख रहा है जब तुम खड़े होते हो। तो जब ये आयत मैं सुबह उठा और ये आयत मेरे जहन में थी, तो मैंने इससे ये नेकफाल लिया कि मैं समझता हूं कि इस काम के लिए खड़े हो जाना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हुए। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2016-17 से जो जर्नी शुरू हुई वो आज तक जारी है, दुआ करें कि ये जर्नी जारी रहे। शेख, अल्लाह ताला आपसे इसी तरह काम लेता रहे, और ये तो अल्लाह की तरफ से भी आपको इस कदम को उठाने के लिए रहनुमाई फराहम की गई। या आपका ताल्लुक वैसे भारत से है, दूसरी तरफ आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, दोनों ममालिक को आपने देखा है। अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा इंडिया के मुतालिक ये जानना चाहूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें सेकुलरिज्म के लिबादे में लिपटती नज़र आती हैं, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का क्या जो चेहरा अब हम देख रहे हैं, बड़ी हद तक चेंजिंग वाला चेहरा, बड़ी हद तक खिलाफ मजहब शादियों वाला चेहरा जो हमें स्क्रीन दिखाती है, क्या वैसे ही है या हकीकत उसके बरक्स है? देखें, इंडिया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से जायद है, और इसमें अगर चंद हजार केसेस साल में आ जाएं तो ये नहीं कहा जाएगा कि एक बहुत बड़ी तादाद इस चीज से मुतासिर हो रही है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इंडिया में ओवरऑल तकरीबन 30-40% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। तो वो मुसलमान के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई तुम अपना मजहब तब्दील कर दो, और वो मजहब से करीब भी नहीं है पहले ही से, तो
वो किसी भी वजह से कि वो ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, मस्जिद की कमी है, मदारिस नहीं है, तबलीगी जमात वगैरह का काम नहीं है, वगैरह वगैरह कोई भी आमिल हो सकता है। तो अगर उनको ये लालच दिया जाए कि भाई अगर तुम मजहब अपना तब्दील कर दोगे, जिसको वो कहते हैं घर वापसी, तो तुम्हें ये बेनिफिट्स हैं, तुम्हें कम से कम सिक्योरिटी मिल जाएगी, और अगर घर वापसी नहीं करोगे तो चूंकि तुम ऐसे इलाके में हो कि जहां गैर मुस्लिम है, और फसादात के वक्त फिर ऐसे लोगों को ही निशाना बनाया जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा कम तादाद में रह रहे हैं वहां, तो ये चीज उनके लिए एक एडवांटेज बनती है। एक तो वो तबका है, दूसरा वो तबका है, बल्कि इसको मैं तबका नहीं कहूंगा, कि कुछ नौजवान लड़कियां हैं कि जो ऐसे मिक्स माहौल में तालीम हासिल करती हैं कि जहां पर उनकी दीनी तरबियत मुमकिन नहीं हो पाती, और बाकायदा आरएसएस की तरफ से ये एक मुनज्जम प्लान है कि लड़के ऐसी लड़कियों को ट्रैप में लेकर आए, उनके साथ शादी करें, साल 2 साल के बाद उनको छोड़ दें। तकरीबन हर उस लड़की का कि जिसने इस तरह की शादी में इंटरेस्ट लिया है और उसकी शादी हुई है, उसका यही अंजाम हुआ है कि 2-3 साल के बाद उसको उठाकर फेंक दिया गया। तो ये एक मुनज्जम तरीका चल रहा है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि मुसलमानों की जितनी बड़ी तादाद है उसके मुकाबले में ये रेशियो बहुत कम है, लेकिन जितना भी कम है बहरहाल कंसर्निंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने बहुत अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। यकीनन लोगों को इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, जो लोग स्पेशली इस वक्त इंडिया में मुकीम है। शेख, आते हैं ज़रा दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने इब्तदा में भी आपसे ऑफ कैमरा भी ये बात कही थी कि हम कोशिश तो करेंगे ज़रा इलाहात के हवाले से जो चीज़ें ज़बरदस्त आम हैं उस पर आपकी तरफ से कुछ रहनुमाई ली जाए। एक सवाल उठाया जाता है शेख, और कहा यह जाता है कि जनाब, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम हैं, रहम करने वाले हैं, फजल करने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं। सवाल लोग कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं अपनी दानिश में, उनका कहना ये होता है कि जनाब अगर खुदा रहम करने वाला है तो वो इतनी तकलीफ़ अपने बंदे को क्यों होने देता है। वो अपने बंदे को, एक बंदे को तो जी वो बिठा रहा है, वो एक लग्जूरियस गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहा है, एयर कंडीशन भी चल रहा है, खाने को भी अच्छा मिल रहा है, एक दूसरा उसी का बंदा है। अच्छा, ये जो लग्जूरियस गाड़ी वाला है ये तो नमाज़ भी नहीं पढ़ रहा, दूसरा आदमी वो बेचारा नमाज भी 5 वक्त की पढ़ रहा है, और वो मजदूरी करके मेहनत मुशक्क़त करके इतना कमा पा रहा है कि किराए के घर में रह रहा है, उसके घर में पंखा भी जो है वो ठीक से नहीं चल पाता, बल्ब भी उसको बंद कर करके बिजली का बिल कम करना पड़ता है। तो अगर खुदा रहम करने वाला है तो ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आता है। सर ज़रा कुछ फरमा दें इस पर। जी हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है, जी और जो लोग ये सवाल करते हैं वो दरअसल मसले शर अलम, इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, इसको नहीं समझ पाते हैं, और उसकी वजह से यह सवाल उनके जहन में पैदा होता है। और इस सवाल को जो सही तरीके से रखा जाता है इन लोगों की जबान में, मुल्हिदों की जबान में, वो कुछ इस तरीके से कि वो एक पैराडॉक्सिकल शक्ल की तौर पर पेश करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक भी है और रहमान भी है। अगर इस दुनिया में पेन है और तकलीफ है तो या तो वो कादिर नहीं है या वो रहमान नहीं है, क्योंकि अगर वो कादिर मुतलक है तो उस पेन को उसको खत्म कर देना चाहिए, और अगर वो कुदरत के बावजूद उस तकलीफ को खत्म नहीं कर पा रहा है तो फिर वो रहम वाला नहीं है। तो ये सवाल इस तरह बनाकर पेश किया जाता है। इसका जो जवाब है जी वो ये है कि हम अल्लाह ताला की सिर्फ इन दो सिफात के ऊपर नजर करते हैं कि जी वो अल्लाह रहमान है और कादिर मुतलक है, लेकिन अल्लाह ताला की तो सिफात बहुत सारी हैं। अगर आपको एक पैकेज चाहिए तो पैकेज तो फिर फुल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो सिर्फ दो नहीं, बहुत सारी हैं। उनमें एक सिफत है अल हकीम और दूसरी सिफत है अल अदल। अल हकीम का मतलब है कि जिसकी बहुत सारी हिकमतें हों, अनलिमिटेड हिकमतें हों, और अल अदल का मतलब है कि जो इंसाफ कायम करने वाला हो। तो अगर इस दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है, और वो हिकमत है कि जरूरी नहीं है कि इंसान उसका इदराक कर सके, चूंकि अगर अल्लाह ताला की हम सारी हिकमतों को जान लें तो फिर हम ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुकम्मल इल्म वाले हैं जैसा कि अल्लाह ताला इल्म वाला है, हालांकि हमारा इल्म भी बहुत महदूद है। दूसरी बात यह है कि अगर इस दुनिया में प्रॉब्लम ना हो तो कभी भी अदल अल्लाह ताला का कायम नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला अदल भी कायम करता है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं। मिसाल यह है कि हम इस दुनिया में रहमत को, शफकत को अपने वालदेन के थ्रू ही समझते हैं, यानी सबसे करीबी जरिया हमारे लिए रहमत और शफकत को समझने का वो हमारे वालदेन होते हैं। अब अगर आप ये देखें कि जब हम बचपन में यानी हमारी तालीमी सरगर्मियां जारी थी तो हमें सुबह जबरदस्ती उठाया जाता था,
हम उठना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर स्कूल या मदरसे भेजा जाता था। उसके बाद मदरसे से आकर दूसरी एक्टिविटीज थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, भाई ट्यूशन पे जाना है, हाफिज साहब आए हैं, कारी साहब आए हैं, उनसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह। पूरा दिन एक बैक टू बैक स्केजुअल था इस तरीके का कि एक बच्चे को आम तौर से फुर्सत नहीं मिलती है और बच्चा उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि भाई ये कैसी शफकत और रहमत है कि मेरे वालदेन ने मुझको पूरी जिंदगी परेशान किया है, कम से कम 20 साल मुझे परेशान किया है और मुझे एक सांस नहीं लेने दिया, मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारने दी, ये कैसी रहमत और शफकत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी अगर ये सवाल अपने जहन में ला रहा है तो वो रहमत और शफकत के असल माना समझा ही नहीं। एक यानी सोने के टुकड़े को अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो उसको आग में तपाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक इंसान की वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो बाज मरतबा अल्लाह सुभाना व तआला की तरफ से कुछ इस तरह के हालात आते हैं, कुछ इम्तिहान के तौर पर, इब्तिला के तौर पर, कि इंसान अगर उसमें सब्र शुक्र से काम ले तो फिर वही सोना बन जाता है और उसके लिए जिंदगी और इसी तरीके से उसकी जो अगली जिंदगी है वो संवर जाती है। तो जो मुल्हिद ये सवाल करते हैं वो दरअसल आखिरत की जिंदगी छोड़ करके सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी को टारगेट करके सवाल करते हैं कि भाई यहां पर अच्छाई क्यों नहीं है, सिर्फ अच्छाई क्यों नहीं है, बुराई क्यों है। अच्छाई और बुराई दोनों का एग्जिस्ट करना इस बात की दलील है कि एक ऐसा मुनसिफ खुदा मौजूद है कि जब एक इंसान बुराई करेगा तो अल्लाह ताला फिर इंसाफ की तराजू अपना काम करेगी। अगर सारे के सारे इंसान अच्छे हो और दुनिया के अंदर कोई बुराई ना हो तो दुनिया में कोई गुनाह नहीं होगा, दुनिया में कोई जुर्म नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया दुनिया नहीं, हम जन्नत में हैं, तो फिर हमारी जरूरत क्या है, मलाइका तो ये काम कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने कादर मतलक के हवाले से बात की, जाहिर सी बात है परवरदिगार आलम की ज़ात मुबारक कादर मतलक है और ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, लेकिन सवालात उठाने वाले जो है वो उठा रहे होते हैं। आपने साथ ये भी कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल कायम करने वाले हैं, ये उनकी शान है, लेकिन इस तनाजुर में एक चीज़ आती है कि जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार पूरी दुनिया पर है। अमेरिका का एक आदमी है, वो तो जी अदालत चला जाए उसको इंसाफ मिल जाता है, अदल की बात है ना। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं जी, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या स्पेशली हम पाकिस्तान के निज़ाम को देख लें, बहुत सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। जो एक आदमी है वो हक़ पे भी है लेकिन उसको इंसाफ ही नहीं मिल के दे रहा और वो उसी नाइंसाफ़ी की दलदल में धंसते धंसते वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि पैरेलल तो नहीं आ रही कहीं ना कहीं चीज़ें? ठीक है, शर और खैर तो दोनों चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर इंसाफ का तराजू तो हर एक के लिए हो ना। एक जी डेवलप कंट्री के आदमी को तो सब मिल रहा है, एक जो बेचारे यहाँ पे मर पड़ रहे हैं उनको तो इंसाफ मिल के ही नहीं दे रहा। एक तो ये ख्याल गलत है कि अमेरिका में या यूरोप में इंसाफ मिल रहा है हर एक को, यानी हम डेवलप कंट्री का पैमाना वाकई ये है कि यहाँ पर इंसाफ होता है, लेकिन अगर आप अमेरिकन जुडिशरी सिस्टम देखें तो उसमें जितनी नाइंसाफियां हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या है, अमेरिका में हो रहा है सब, और मैं उसका आईनी गवाह हूं बहुत सारे मसाइल में। तो यानी मैं एज ए ज्यूरर यहां अमेरिका की एक अदालत में सर्व कर चुका हूं तो मुझे पता है कि यहां अंदरूनी सूरत हाल क्या है। खैर, एक तो बात यह, दूसरी बात यह कि इस दुनिया के बाज इलाकों में इंसाफ या तो ताखीर से मिलता है या इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता जैसा कि बाज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। यही वजह है कि अल्लाह सुभान व तआला ने एक यौमुद्दीन सेट किया हुआ है, एक इंसाफ का दिन सेट किया हुआ है कि उन लोगों को कि जिनको दुनिया में इंसाफ नहीं मिल सका वो आखिरत में इंसाफ उनको मिलेगा। इमेजिन करें कि एक माँ है फलस्तीनी, ये जिसके दो बच्चे हुए, अभी ये वाकया रियल बिल्कुल वाकया है कि जिसके 11-12 साल के बाद बड़ी दुआओं के बाद उसके यहाँ ट्विंस हुए और अभी वो छोटे ही थे, चंद ही हफ्तों के ऊपर से बम आया और दोनों बच्चे शहीद हो गए। तो इमेजिन करें कि उस वालदा का कर्ब और उसका दर्द कितना होगा। लेकिन ये भी तसव्वुर करें कि अगर उस वालदा को ये मालूम हो कि इंसाफ ना तो इस दुनिया में है और आखिरत है नहीं, तो उस वालदा का क्या हश्र होगा कि वो मेंटली नसीब ये डिस्टर्ब होगी, बल्कि वो पागल हो जाएगी कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, दुनिया में तो इंसाफ मौजूद नहीं है और आगे इन जालिमों का कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर वो हसबुनल्लाह व निअमल वकील के ऊपर ईमान रखती है और वो ये कहती है कि ठीक है इस दुनिया में इन्होंने मेरे बच्चों को शहीद कर दिया लेकिन आखिरत में ये बच नहीं पाएंगे और वो दिन बहुत करीब है, वो किसी भी दिन जिस वो हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लम फरमाते हैं कि मम्मा था फकत कामत सा कयामत हु, कि जो आदमी मरा तो उसकी कयामत बस वहीं से शुरू हो गई, चूंकि उसके बाद फिर कयामत आने में लम्हा नहीं लगेगा। तो अब एक इंसान की मौत का कोई वक्त है नहीं है, जो लोग बम बरसा रहे हैं हो सकता है कि कल को वो जिंदा ना हो, परसों जिंदा ना हो,
तो कयामत में तो उनको पेश होना है। इमेजिन करें कि ये होप और ये उम्मीद, ये ईमान और एतकाद उस औरत को जिंदा रखे हुए है और उसकी उम्मीद को जगाए हुए है, तो यकीनन इस दुनिया के बाज इलाकों में इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसाफ का दिन मुहैया किया हुआ है ताकि जिन लोगों को यहाँ इंसाफ नहीं मिला वहां उनको सही से इंसाफ मिल सके। मुफ्ती साहब, आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया है और बारहा हम देखते हैं कि जी गज़वा बदर था और फ़ज़ा पैदा की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाते हैं, नुसरत कामयाबी आती है, अल्लाह की मदद पहुंचती है, इमदाद पहुंचती है, और आप अगर खड़े हो जाएं और मुकाबला करें तो अल्लाह की मदद आती है। ठीक है, ये ईमान है, इस पर भी हमारा। इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की सूरत हाल को देखें तो पूरी दुनिया ने और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने अगर किसी को मज़लूम माना है तो वो वही लोग हैं, मतलब कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि जिसके इक्का दिक्का ही सही, लेकिन किसी ने इस मामले के ऊपर प्रोटेस्ट ना किया और ना कहा कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। बैतुल मक़दस भी है, हमें अबरा का वाक़ा भी पता है कि जी वो अबरा आया था और अबाबील ने कंकर गिरा दिए थे और भूसे का ढेर परवरदिगार आलम बना देते। तो आज बैतुल मक़दस के बसने वालों के लिए जब 40,000 शहादतें हैं और शहर सफ़ा अस्थी से मिट गया है, वो मदद आज क्यों नहीं आती, ये सवाल लोग करते हैं, पूछते हैं, कुछ फरमा दें इस पर। जी हाँ, असल में जो अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत का फलसफा है वो ये है कि अगर नबी मौजूद हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मौजजाती तौर पर मदद आती है। जंगे बदर में ऐसा ही हुआ कि 3,000 और फिर उसके बाद 5,000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने मदद की, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी की वजह से मौजजात का सिलसिला जारी था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा फरमा गए तो अब जो नुसरत और मदद का फलसफा है वो ये है कि वह अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि जितना हो सके तुम तैयारी करो अपने दुश्मन के खिलाफ, तुम जंगी हथियारों के जरिए तैयारी करो, तुम ट्रेनिंग लो, यानी अपनी आर्मी बनाओ और उस आर्मी को जितना अच्छे तरीके से उसको इक्विप किया जा सकता है वो करो, ये इस तरीके से तुम्हारी मदद, जब तुम ये काम कर लोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। अब हुआ यह है कि फलस्तीनियों ने, बहरहाल वो एक अरसे से मजलूम चले आ रहे हैं, तो वो जो तैयारी उनको करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो सकी। उम्मत की अक्सरियत ने, अगरचे उम्मत की अक्सरियत ने उनको मजलूम माना है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उम्मत की अक्सरियत ने उनका साथ छोड़ा है और उस वक्त छोड़ा है कि जिस वक्त उनका साथ देने की जरूरत थी। और ऐसा नहीं है कि उम्मत के पास वसाइल नहीं है, वसाइल भी हैं और अफराद भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं, उनके पास तमाम तरीके हैं और उनके पास हुकूमतें हैं, इलाका उनका है, स्ट्रेटेजिकली वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ये सारी चीजें होते हुए अगर फलस्तीनियों की को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया तो जाहिर है कि जो नुसरत के लिए या मदद के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स थे उनको मुकम्मल नहीं किया गया, इसलिए बज़ाहिर हम ऐसा लगता है, बज़ाहिर हम ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आई है, उसकी वजह यह है कि हम बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, यानी एक इंसान की हैसियत से हम इस वक्त के हालात को सिर्फ आज ही के तनाजुर में देख रहे होते हैं। हो सकता है कि मैं और आप आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमारी उम्र रहे और हम इन वाकियात को एनालाइज करें तो देखें कि भाई ठीक है, 40,000 लोगों ने शहादत जरूर दी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुल्क को या फलस्तीन को और बैतुल मक़दिस को बचाने में कामयाब हो गए और उन्होंने दुश्मन को करारा जवाब दिया। हो सकता है कि आज से 20 साल के बाद जब हम तज़िया कर रहे हो तो हम ये तज़िया कुछ दूसरे अंदाज में कर रहे हो और ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला की मदद इस तरीके से आई थी, अगरचे कुछ लोगों को अपनी जान का नजराना देना पड़ा। ठीक ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं क्योंकि आपसे काफ़ी सारे हवालों से हम गुफ्तगू करना चाहते हैं और आपकी आपके इल्म से इस्तेफादा करना चाहते हैं। शेख, एक बात, क्योंकि हमारे यहाँ तफसीर कुरान पाक का सेगमेंट होता है, अहादीस मुबारक का सेगमेंट होता है, गुफ्तगू जब भी होती है तो ये कहा जाता है कि जी हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हिदायत हमें अता फरमा दें, और हदीस की रूह से और कुरान की रूह से ये बात आ रही होती है कि जी हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, वो जिसको चाहेगा वो हिदायत अदा करेगा। ठीक है, इस सारे मामले के अंदर कुछ लोगों का, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की दुआ भी आप यकीनन मुझसे बेहतर समझते होंगे, जो आपने जनाब फारूक आजम और अबू जहल के मुतालिक की थी कि दोनों उम्र में से कोई एक उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ले आए, तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि फिर जब हिदायत उसके हाथ में है और उसने अपनी मर्जी से देनी है
तो अल्लाह सबको क्यों नहीं दे देता, वो क्यों एक को हिदायत ना दे के जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है, माज़ल्लाह माज़ल्लाह। लेकिन ये सवाल होता है, खुदा ना करे कि मैं मुझ जैसा जाहिल आदमी भी कभी ऐसी बात सोचे, लेकिन कहने वाले कहते हैं, और वो एक को हिदायत देकर जन्नत के रास्ते पर चला रहा है, जब उसके इख्तियार में तो वो दोनों को दे दे। तो शेख फरमाइएगा इस पर कुछ। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि वो तमाम लोगों को हिदायत दे दे। कुरान करीम में उसने जगह जगह इस चीज का ऐलान किया है कि अगर वो चाहेगा तो तुम सबको हिदायत दे देगा। लेकिन हिदायत के भी फिर उसने कुछ उसूल मुकर्रर कर दिए हैं, और ये उसूल सूरतुल लैल में अल्लाह ताला जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि फअम्मा मन अता वत्तका वसद्दक बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा। ये जो यहां पर इसमें लफ्ज अलयुसरा है, इसके माना है वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जा रहा है वो सहल रास्ता। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इस रास्ते को आसान करने की शर्त यह है कि एक इंसान तीन काम करे। नंबर एक आता, यानी वो नोबल कॉजेज में खर्च करे। नंबर दो वत्तका, वो खुदा से डरे। और नंबर तीन वसद्दक बिलहुस्ना, कि वो अच्छाई की तस्दीक करने वाला और उसको कबूल करने वाला हो, हक को कबूल करने वाला हो। अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज हैं तो हिदायत आपको मिलेगी, फसन यस्तिरुल यूसरा। लेकिन अगर इसके अपोजिट क्वालिटीज है, वम्मा मम बखिल वस्तगना वकद्दब बिलहुस्ना, एक आदमी बुखल करता है, नोबल कॉजेज में खर्च नहीं करता, बे इंतहा बखील और कंजूस है, और साथ में वो अपने आप को बेनियाज समझता है कि मुझे खुदा की क्या जरूरत है, जैसे मुल्हिदीन, और वकद्दब बिलहुस्ना, और सच्चाई सामने आने के बावजूद उसकी तस्दीक नहीं करता है, तो फिर उसके लिए उसरा आसान की जाती है। और उसरा से मुराद है वो मुश्किल रास्ता कि जो अल्टीमेटली जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने ये तीन उसूल जिक्र कर दिए हैं। इस दुनिया में जिनको भी हिदायत मिलती है उनमें ये तीन क्वालिटीज किसी ना किसी दर्जे में मौजूद होती हैं, खुसूसन ये क्वालिटी कि अच्छाई और सच्चाई को देखकर आप उसको कबूल करें। जब आपके अंदर ये मादा होगा कि सच आपके सामने वाजे होगी और आप उसको कबूल कर रहे हैं तो हिदायत आपको मिलेगी। लेकिन इस दुनिया में कुफार की और इस्लामोफोब्स की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो सच्चाई के सामने आने के बावजूद भी किसी न किसी असबियत की वजह से उसको कबूल नहीं करती है, और इस वजह से उनको हिदायत नहीं मिलती है। और फिर मुल्हिदीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत क्यों नहीं देता। ठीक ठीक, तो ठीक। एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्र की तारीफ की, आपने फरमाया कि अल किब्र बतरुल हक, ये किब्र यानी गुरूर क्या है, हक का इनकार कर देना। हक वाज़ह हो गया और आप उस हक का इनकार कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है इस वक्त कि चाहे मुल्हिद भी, एक मुल्हिद भी एक न एक वक्त दिन में ये जरूर सोचता है कि हो सकता है कि खुदा सही हो सकता है कि नजरिया इस्लाम जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है कि खुदा का तसव्वुर बिल्कुल दुरुस्त हो। हर मुल्हिद ये सोचता है, आप किसी भी मुल्हिद से पूछ लें, वो डीप डाउन ये सोचता है कि ये पॉसिबल है कि खुदा मौजूद है, लेकिन वो अपनी आजादी की वजह से, वो उस आजाद ख्याली और आजादाना जिंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सैटरडे नाइट में वो पब भी जाए, वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स हों, वो चाहता है कि वो एक जो एक लिबरल सोसाइटी यानी चाहती है कि उसकी जिंदगी हो, वैसी वो जिंदगी चाहता है। और इस्लाम को वो समझता है कि मेरे रास्ते की रुकावट है, इसलिए वो इस्लाम को कबूल नहीं करता, वरना हक तो उसके सामने वाज़े हो चुका। ठीक है, जाहिर सी बात है कि नफ्स कहीं ना कहीं तो आड़े आएगा। शेख ये भी फरमा दीजिए कि आपने, क्योंकि इल्हाद के हवाले से बात चल रही है, मुल्हिदीन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, उनके सवालात पेश किए जा रहे होते हैं, और आप यकीनन उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे रहे होते हैं। हमने ये देखा है कि और हमारा ईमान है कि जी अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबें आती रही हैं, सहीफ़े आते रहे हैं, उनके अंदर चेंजिंग भी आई है। कहने वाले ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर खुदाए वाहिद की ज़ात गो के है, हक यही है, मैं बार बार देखें कि कभी पता नहीं लगता आपका कौन सा एक जुमला आपको ईमान से जो है वो बाहर रह जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही हक है, लेकिन कहने वाले तो ये कहते हैं कि वो सारी चीज़ों को जानने वाला है, तो उसे अपनी तालीमात के अंदर और अपने अहकाम के अंदर वो चेंजिंग क्यों लाता रहा कि तौरात में कुछ और हुआ, ज़बूर में कुछ और हुआ, इंजील में कुछ और हुआ, इतनी चेंजिंग होती रही और फिर जाके कुरान करीम में बिल्कुल एक नया निज़ाम पेश किया गया, उसने पहले ही सारी चीज़ें सबके सामने क्यों नहीं रख दी। और अगर वो हिफाजत का बेड़ा और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, गो के हैं, लेकिन फिर मतलब 1400 साल पहले ही क्यों, 3000 साल पहले ही कोई ऐसी किताब क्यों नहीं नाजिल कर दी गई कि एक ही किताब से जो है वो सारे आलम की और क़यामत तक रहनुमाई होती रहती। जी हाँ, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुनियादी अकायद हैं
उनमें कोई तब्दीली हजरत आदम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वसल्लम तक नहीं हुई है। जी बुनियादी अकीदा क्या है कि अल्लाह मौजूद है, कयामत कायम होगी, दुनिया के अंदर जो इंसान काम करता है उसका हिसाब किताब देना है, ये बुनियादी अकायद है। हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम के जमाने में भी यही अकीदा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं अकायद की तबलीग की है, तो कोई जर्रा बराबर भी इनमें तब्दीली नहीं है। हाँ, जहां तब्दीली आई है वो है शरी मसाइल कि नमाज किस तरह पढ़नी है, नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ज़कात देनी है कि नहीं देनी है, क्या खाना है क्या पीना है, इन चीजों के अंदर तब्दीली आई है, ये शरीयत की तब्दीली है। और शरीयत की तब्दीली इंसानी तहजीब और इंसानी तहजीब के इर्तिका को सामने रखते हुए शरीयत की में तब्दीली आती रही है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ और ये मिसाल असल में बहुत से उलमा ने भी अपनी किताबों में, खसूसन हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफीजाउल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र की है नस के तहत, वो ये है कि मसलन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोस करता है कोई बीमारी और ये बताता है कि भाई इस बीमारी का इलाज है और आपको 6 महीने लगकर इलाज करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप शिफायाब होंगे। और आपको वो पहले महीने थोड़ा सा हैवी डोज देता है, उसके बाद फिर वो डोज बदल देता है, फिर उसके बाद दवा बदल देता है, यहां तक के 6ठे महीने दवा बिल्कुल बदल जाती है। एज ए पेशेंट आप ये कहने का हक नहीं रखते हैं कि यार ये अजीब डॉक्टर, इसको पता ही नहीं है कि दवा कौन सी देनी है, पहले महीने दूसरी दी, उसके बाद फिर कुछ और दी और 6ठे महीने कुछ और दे दी। वाह बिल्कुल। और डॉक्टर को ये पता है, हाँ। डॉक्टर को ये पता है कि पहले महीने ये दी जाएगी, दूसरे महीने ये दी जाएगी और तीसरे महीने ये दी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दवाएं अलग अलग जा रही है उसके जिस्म में, उसका जिस्म का जो इर्तिका हो रहा है वो ये कि पहले वो पहले तरह की जो दवा है उसके लायक था, फिर उसके बाद दूसरी तरह की दवा के लायक था, और यहां तक के वो आखिरी किस्म की दवा दी गई और उसका इलाज मुकम्मल हुआ। ऐसे ही इंसानी तहजीब का इर्तिका हुआ है और ये तहजीब का इर्तिका होते 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 इंसानी तहजीब अपनी फिक्री उरूज और कमाल को पहुंची है जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके। ये वो दौर था कि जब रोमन तहजीब अपने उरूज पर थी और रोमन तहजीब की जो बुनियाद है वो है ग्रीक सिविलाइजेशन। आपको पता है कि इस दुनिया में इस वक्त जहां जहां फिलोसफी है, मैथ है, ये जो भी कुछ है उसमें ग्रीक फिलोसफर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फिक्री तौर पर अपने उरूज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये दुनिया पहुंच चुकी थी, ऐसे मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो इस दुनिया को एक ऐसी किताब की जरूरत थी जो उस फिक्री उरूज का जवाब दे सके। अगर अगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या शरीयत दी गई थी, उनको ये बताया गया था कि भाई तुम्हें खेती ऐसे करनी है, तुमको जो है गल्ला ऐसे उगाना है, तुमको खाना यूं खाना है, अगर यही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी जाती तो क्या नया मिलता इस उम्मत को। तो तहजीब का जो इर्तिका हुआ है उसको सामने रखकर अल्लाह सुबहान व तआला ने नया पैगाम दिया है। ये पैगाम की तब्दीली बज़ाहिर हमारी तरफ से है लेकिन अल्लाह ताला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तब्दीली नहीं है बल्कि ये अल्लाह का प्लान है। ठीक शेख, आपके लिए सवाल है। फवाद अहमद साहब पूछते हैं कि जनाब मौत अल्लाह के हाथ में है तो सजा कातिल को क्यों दी जाती है, जब बंदा मर अल्लाह के हुक्म से रहा है तो मारने वाले को फिर सजा देना समझ नहीं आता है। फवाद साहब ने पूछा है, फरमा दीजिए कुछ। जी हाँ, ये मसला इल्मे कलाम में उठाया जाता है और हमारे यहाँ दरसे निजामी में एक बहुत मशहूर किताब है शरह कायद नसफी, तो उसमें आखिर में ये मसला आता है कि भाई अगर एक आदमी किसी को कत्ल कर दे और मौत हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है तो फिर कातिल को सजा क्यों, तो उसकी जब उसका उसका जो जवाब है वो ये कि जो सजा है वो मौत और हयात की वजह से नहीं बल्कि वो सजा इसलिए है कि उसने मौत के सबब को इख्तियार किया। मौत का सबब क्या है, कत्ल करना, और मौत देना अल्लाह का काम है। और उसकी दलील ये है कि बाज मरतबा एक कातिल किसी को कत्ल करने का इरादा करता है लेकिन कत्ल नहीं कर पाता, यही वजह है कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो कत्ल के नहीं लगते बल्कि इरादा कत्ल के लगते हैं, ये इकदाम कत्ल के लगते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि कत्ल करने का उसने इरादा किया, कत्ल हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी अभी जिंदगी लिखी हुई थी, उसको मरना नहीं था, उसको उसको मौत नहीं दी, लेकिन बाज मरतबा कत्ल का इरादा किया जाता है और कत्ल हो जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि इस दुनिया में जो सजा मिलती है या आखिरत में जो सजा मिलेगी वो दरअसल सबबे मौत को इख्तियार करने की वजह से मिलेगी, ना ये कि मौत देने की वजह से। मौत देना तो अल्लाह ताला का काम है। ठीक, आपने सजा का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जहन्नम से लोगों को डराते हैं और ख़बरदार करते हैं कि देखो ये ठिकाना अगर नहीं मानोगे तो ये तुम्हारे लिए तैयार है।
मुनीदीन की जानिब से सवाल उठाया जाता है कि एक तरफ वही खुदा बता रहा है 70 माओं से बढ़ के चाहता हूँ और बंदे को चाहता हूँ, मुसलमान को, हिदायत वाले को नहीं, बंदे को, सबको चाहता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि चाहता तो हूँ लेकिन उठा के तुम्हें इस जहन्नुम के गड्ढे में डाल दूंगा, जबकि वो एक माँ वो कभी नहीं चाहती जी एक अंगारा भी आपको छू ले। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल यही फर्क है खुदा और इंसान में। इंसान में इमोशंस होते हैं और जिस वक्त एक इमोशन गालिब आता है तो दूसरा इमोशन उसमें आ नहीं सकता। वाह। एक आदमी अगर मोहब्बत करता है तो वो उसी वक्त दुश्मनी और अदावत नहीं रख कर सकता। एक आदमी को अगर किसी से मोहब्बत है तो उसी वक्त वो उस पर गजबनाक नहीं हो सकता। ये इंसानी फितरत और इंसानी मजबूरी क्या है। बात है। मुल्हिदीन आमतौर से समझते हैं कि खुदा भी हम जैसा ही होगा, जैसे हम इमोशनल और रिएक्शनरी है खुदा भी इमोशनल और रिएक्शनरी होगा, अलियाज बिल्ला। खुदा के अंदर इमोशंस नहीं है, खुदा में सिफात है, उसके अंदर सिफत रहमत है और सिफत गजब है। उसके उसके कहे पर चलोगे तो सिफत रहमत जोश में आ जाएगी और उसके कहे की के खिलाफ और उसकी रुगरदानी करोगे तो सिफत गजब जोश में आ जाएगी। तो अल्लाह ताला को जब तक हम अपने जैसा समझेंगे प्रॉब्लम हमारे जहन में सवाल जन्म लेते रहेंगे, और जिस दिन हमें इस चीज का इदराक हो जाएगा कि अल्लाह मालिकुल मुल्क है, वो खालिकुल कुल है और हम इमोशन और रिएक्शनरी और इमोशनल बीइंग है, तो ये बहुत सारे सवालात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मज़ा आ गया बड़ा, आपने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इस बात पे जो है वो वदात फरमाई। ये फरमाइएगा कि लोग ये पूछते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जब बंदों के आगे ये बात रखी है कि जनाब उसके लिए सब कुछ मुमकिन है और सारे चीज़ें जो है वो इख्तियार में हैं, उसके उसकी मर्ज़ी के साथ चलनी है और वो अपनी मर्ज़ी से ही दुनिया को और अपने बंदों को चलाना भी चाहता है, तो जब ये सारी चीज़ें हैं उसने फरिश्ते बनाए उन्हें मर्जी नहीं दी, तो फिर ये इंसानों को फिर इतना आज़ाद क्यों कर दिया उसने? इन्हें भी फरिश्तों जैसा कर देता, रोबोट की तरह चीज़ दे देता कि भाई ये इबादत करो, ऐसे ऐसे कमाओ खाओ, कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं, दुनिया भी अच्छी घटती, बाद में जन्नत भी मिल जानी थी, उसने क्यों ऐसे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया लोगों को? तीन मखलूक़ात अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि जिनमें किसी ना किसी हद तक रैशनैलिटी है। पहली मखलूक है मलाइका, दूसरी है इंसान और तीसरी है शयातीन। अब आप इनमें देखें कि मलाइका में सरापा खैर है, शयातीन में सरापा शर है। एक ऐसी मखलूक भी होनी चाहिए थी कि जिसमें ये दोनों हो, खैर भी और शर भी, ताकि खैर को गालिब लाकर एक इंसान जन्नत में पहुंच सके और वो इंसान के जो शर को गालिब करता है खैर के ऊपर वो जहन्नम में जा सके। तो ये तीनों मखलूक दरअसल अल्लाह सुबहाना व तआला की इस ग्रैंड स्कीम का के मुताबिक है और उसका हिस्सा है। अगर मान ले ये कहा जाए कि भाई इंसान को भी फिर ऐसा ही कर देना चाहिए था कि बस वो उसमें बुराई ना होती, वो भी मलाइका की तरह होता, तो फिर इंसान की जरूरत नहीं थी, वो मखलूक तो पहले से मौजूद थी। मलाइका ने भी तो यही कहा था कि अल्लाह आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं कि जो जमीन के अंदर फसाद बर्पा करेगी, अगर तस्बीह और तकदीस करनी है तो हम तो नहीं। ये सवाल तो मलाइका ने किया था, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में क्या कहा कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वो क्या था? वो ये था कि तुम सरापा खैर हो, शयातीन सरापा शर हैं। एक ऐसी मखलूक की को भी लाना है कि जिसके अंदर खैर और शर दोनों जमा हो और उसको ये इख्तियार दिया जाए कि चाहे तो शर को खैर के ऊपर गालिब कर ले और चाहे खैर को शर के ऊपर गालिब कर ले। तो इसलिए इंसान को इस दुनिया के अंदर लाया गया। ठीक शेख, फरमाइएगा कि सवाल आया हमारे पास कि अगर खुदा के वजूद का कैदा इतना अहम है तो उसे हर शख्स पर क्यों मुसल्लत नहीं किया जाता? इंसान की जो फितरत है वो दरअसल खुदा के वजूद के खुदा के वजूद का जो अकीदा है उसको तस्लीम करती है। होता यह है, और एक हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। ये फितरत क्या है? ये फितरत वो है कि जिसके जरिए हमें खुदा के वजूद का इल्म होता है, खुदा के वजूद का पता चलता है। लेकिन फिर होता क्या है? فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, कि उसके वालदेन बाज मरतबा उसको यहूदी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, ये एक मिसाल है, मुल्हिद बना देते हैं, हिंदू बना देते हैं, सिख, जो भी दुनिया में दीगर मजाहिब है। तो माहौल या वालदेन के प्रेशर की वजह से एक इंसान अपनी फितरत को छोड़ बैठता है। तो ये जो हमारे अंदर फितरत है वो क्या है, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। वो मिसाल ये है कि आप अगर किसी छोटे से छोटे बच्चे से, कि जिसने अभी बोलना सीखा है और शुरूर की इब्तदाई दहलीज के ऊपर है, उससे ये पूछें कि देखो ये बॉल तुम्हारे सामने है, ये खुद ब खुद बन गई,
तो वो बच्चा भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, उसकी फितरत इस चीज का के से इंकारी होगी कि ये कैसे मुमकिन है कि बॉल खुद ब खुद बन जाए। भाई आप कहीं ना कहीं से खरीद के लाए होंगे, किसी ना किसी ने बनाई होगी। तो एक बच्चा अपने खिलौने के बारे में अगर ये तसव्वुर करता है कि इसका कोई ना कोई बनाने वाला है, तो वो इसलिए कि उसकी फितरत अभी जिंदा है। मुल्हिद से आप पूछें कि तुम पूरी कायनात की हर हर चीज के बारे में ये कहते हो कि उसका कोई ना कोई सबब है उसके बनने का, लेकिन इस कायनात के बारे में तुम ये कहते हो कि उसका कोई ना कोई सबब नहीं है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि एक कायनात की एक एक जर्रे के पीछे, कायनात की एक एक जर्रे के पीछे कोई ना कोई सबब, और कायनात का कोई सबब ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान अपनी फितरत के खिलाफ बगावत कर रहा है जब वो इल्हाद का रास्ता इख्तियार करता है। तो अगर ये सवाल जो किया गया, उन साहब की तरफ से सवाल आया, ये उस वक्त जेन्यून होता अगर अल्लाह ताला हमारी फितरत के अंदर खुदा की वजूद का अकीदा न रखता। उसने हमारी फितरत के अंदर ये अकीदा रखा है, हम खुद अपनी फितरत के ऊपर एक गिलाफ डाल लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं। ठीक शेख, आपसे एक सवाल मैं और लूँगा, आपकी मौजूदगी से हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप फरमाइएगा कि ये बारहा ये बात की जाती है कि जी खुदा हर मौके पे ये कह रहा है कि देखो जो इबादत कर रहे हो ना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ज़रूरत नहीं है तो वो इबादत करवा क्यों रहा है? और सिर्फ इबादत ही नहीं, एक तो ये कि इंसान 5 टाइम, अगर मुसलमानों की बात करें, वो निकलेगा मस्जिद जाएगा, 15-20 मिनट लगाएगा, रोज़ की बुनियाद पे उसने ये एक्टिविटी करनी है। फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो सुबह से लेके शाम तक वो क्यों अपने बच्चे को, अपने माफ़ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए कि अपने बंदे को क्यों भूखा रखवा रहा है? जबकि अगर यहीं पर आप माँ बाप की मिसाल उठाकर देख लें तो कोई बाप ये चाहेगा कि जी उसकी औलाद जो है वो उसको प्यास लग रही हो लेकिन वो पानी इसलिए ना पिए कि जी बाप ने कहा है कि बस 5 बजे के बाद पानी पीना है, 8 बजे के बाद पीना। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों है इबादत का? मतलब जब उसे जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या नीड है इसकी? इबादत की जरूरत खुदा को नहीं है, बल्कि इबादत की जरूरत बंदों को है, और ये जरूरत हम अपने लिए पूरी करते हैं, खुदा के लिए पूरी नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा को इबादत की जरूरत होती अलयास बिल्ला, तो फरिश्ते हमसे कहीं बेहतर यह काम अंजाम दे रहे थे, हमारे वजूद की कतन कोई जरूरत नहीं थी। तो हम इस दुनिया में जो आए हैं वो इस मकसद के लिए आए हैं कि खैर को शर के ऊपर गालिब कर दें, और उस खैर को शर पर गालिब करने का यही तरीका है कि हम इबादत का रास्ता इख्तियार करें। इसलिए कुछ इबादतें प्रिस्क्राइब की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, आपने जो कहा कि एक बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा प्यासा रहे, भूखा रहे, और एक खास वक्त पे जाकर ही वो पिए। देखें, हम बाज मरतबा आर्मी ट्रेनिंग की मिसाल इसमें यहां ले लें, बाज मरतबा बच्चे हमारे आर्मी ट्रेनिंग करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और वहां पर जो ट्रेनिंग होती है वो सख्त होती है। वो क्यों होती है? ताकि एक इंसान सख्त हालात के लिए तैयार हो जाए। उसको बाज मरतबा एक खास वक्त के लिए भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, गर्मी में चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, और वो तमाम मशकें जो सब हम सब लोग वाकिफ हैं, हमने स्क्रीन के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर देखी, अगर खुद से वो मशकें नहीं की हो। वालदेन की मर्जी से बच्चे आर्मी ज्वाइन करते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि यार ये बाप कितना जालिम है कि अपने बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग में भेज दिया कि जहां उसको भूखा भी रखा जा रहा है, प्यासा भी रखा जा रहा है, तो बाप ये कहेगा कि भाई जिंदगी में आगे जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि इस मुल्क की हिफाजत करनी है, और उस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें कुछ अफराद चाहिए, और अफराद ऐसे हों जो सख्त गिर हों, और सख्त गिरी के लिए जरूरत यह है कि भूखा और प्यासा रहा जाए और ये ट्रेनिंग हासिल की जाए। तो अब बाप की इस लॉजिक को हर एक इंसान तस्लीम करेगा। तो ऐसे ही इस दुनिया में खैर को गालिब करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें, और नफ्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम भूखे और प्यासे रहें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये प्रिस्क्राइब किया, वरना इस इबादत की अल्लाह ताला को हमारी किसी इबादत की कतन कोई जरूरत नहीं। उसके बेनिफिशरी अल्टीमेटली हम हैं, अल्लाह नहीं है। ठीक शेख, आपके लिए एक सवाल और हमारे पास आया है, क्योंकि एक हमें हमारा अकीदा है, हम मानते हैं, हमें बताया गया है कि जनाब आप आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहद लिया था और तमाम इंसानों ने उस अहद के ऊपर लबैक कहा था और अल्लाह के हुजूर एक वादा किया था जिसे दुनिया में निभाना जो है वो आज हमारी आपकी हम सब की जिम्मेदारी है। सर वो वादा याद क्यों नहीं है? अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो याद होना चाहिए था, किसी जहन के कोने में उस चीज़ को पढ़ा होना चाहिए था ताकि इंसान रियलाइज़ तो करे। अब मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह ने एक कलमा को घराने के अंदर पैदा कर दिया है। एक आदमी जो किसी दूर दराज मुल्क के अंदर बैठा है जहाँ इस्लाम के का और मुसलमानों का कोई नामो निशान तक नहीं है, उसे कोई वो वादा भी याद नहीं है, वो वहीं पैदा होता है, उसी मज़हब को देखता है, वहीं मर जाता है, तो फिर ये वादा क्यों याद नहीं आता, और फिर उस आदमी का क्या होगा, उसका क्या कसूर है?
देखें, याद ना होने पर तो ये है कि इफ्तार में कितनी पकौड़ियां खाई है वो भी याद नहीं रहता। तो अब रही ये बात कि आप बचपन के कितने वाकयात याद रखे हुए हैं। बचपन तो इसी दुनिया में है ना, ये इसी जिंदगी का जो बचपन है जी कि आप जिस दिन पैदा हुए, क्या हमें याद है कि हम जिस दिन पैदा हुए तो हमारे वालदेन की क्या कैफियत थी? बिल्कुल याद नहीं। नहीं यानी यहां तक कि हम अपने शुऊर की जब दहलीज पर पहुंचते हैं, 7-8 साल की उम्र को पहुंचते हैं, तो वाकयात हमें याद रहना शुरू होते हैं। तो किसी भी चीज के वाकई होने के लिए उसका याद होना जरूरी नहीं है। हमारी विलादत वाकई हुई है, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम हमारी विलादत हुई है। ऐसे ही तो अब कोई आदमी इंकार नहीं कर सकता कि विलादत नहीं हुई इसलिए कि मुझे याद नहीं है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर अहद लिया है तो उसका कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। जो फितरत की मैंने बात की है, ये फितरत ही दरअसल उस अहद का सबूत है कि हर इंसान एक खास फितरत पर पैदा होता है, और वो फितरत ये है कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है, लिहाजा इस कायनात का भी बनाने वाला होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको, उससे आपको फितरत का अंदाजा होगा। एक हिंदू मेरी स्ट्रीम पर आया और उसने मुझसे पूछा कि आइडल वर्शिपिंग क्यों बुरी है, आप मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों हैं? तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या पॉसिबल है? तो कहने लगा, नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? कहने फिर तो निजाम गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा, देखो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इनकी तरफ रहनुमाई कर दी कि जिसको कुरान ने खुद बयान किया है कि लौकान फीही मा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर इस जमीन और आसमान में दो खुदा होते या मल्टीपल गॉड्स होते तो लफसदता, तो इस कायनात का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता। तुम एग्जैक्टली वही बात कह रहे हो और तुम्हें मालूम नहीं है कि कुरान ने ये दलील दी है खुदा की वादानियत की। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की फितरत ये बोलती है कि कोई ना कोई बनाने वाला है, कोई ना कोई चलाने वाला है, और वो एक है। अब रही ये बात कि वो लोग कि जो किसी मजहब में कहीं दूर पैदा हुए अमेजोन के जंगलों में और वहीं पले बढ़े और उसके बाद वहीं उनकी मौत हो गई, उनको पता ही नहीं चला कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये सब उनको कुछ नहीं पता। तो मैं एक यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इजाफा करना चाहूंगा, वो ये कि वो लोग के जो इन दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो भी किसी न किसी इबादत के सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। आप अगर उन अमेजोन के ट्राइब्स के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आप पाएंगे कि वो लोग भी इबादत करते हैं, लेकिन किसकी इबादत करते हैं? अपने पूर्वजों की, अपने फोर फादर्स की, उनकी रूहों की इबादत करते हैं। तो अगर उनकी अकल उनको शिर्क की रहनुमाई कर सकती है तो उनकी अकल तौहीद की तरफ रहनुमाई क्यों नहीं कर सकती? ऐसा ही है। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो हिसाब किताब होगा वो उनकी तौहीद के अकीदे की बुनियाद पर होगा। उनसे ये नहीं सवाल किया जाएगा कि तुम्हें तुम कुरान पर ईमान क्यों नहीं लाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर क्यों नहीं लाए, नमाज के ऊपर क्यों नहीं लाए, चूंकि ये चीजें उन तक पहुंची नहीं। लेकिन अकल के जरिए खुदा के वजूद का इदराक किया जा सकता है और इस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है शेख, थोड़ा सा हम वक्त से एक्सीड कर गए, लेकिन आपने क्योंकि लॉजिक की बात की है और अमूमी तौर पे अगर हम देखें तो इल्हाद से का शिकार लोग लॉजिक में ही जो है ना वो दौड़े लगा रहे होते हैं। आपने कहा कि जी एक मुल्क में अगर 2 प्राइम मिनिस्टर हों तो क्या होगा, लेकिन शेख आप क्या हम इंडिया को उठा लें, पाकिस्तान को उठा लें, प्राइम मिनिस्टर जिसके पास इख्तदार है वही है ना प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ वज़राए आला भी तो होते हैं, और हमारे यहाँ तो जिस तरह सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है, प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहा है, नीचे वज़ीर आला अपना काम कर रहा है, और उसकी जनरेशन टैक्स आना ये सारी चीज़ें, और वो अपने तौर पे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो लॉजिक की बुनियाद पे देखें तो माशरे के अंदर तो ये सब कुछ हो रहा है। आपने फरमाया कि वजीर आजम अपना काम कर रहा है, नीचे वजीर आला अपना काम कर रहा है, जो नीचे आपने वर्ड इजाफा किया है ना, यही जवाब है। भाई वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा शेख, आपके लिए एक सवाल हमारे ये जनाब फैसल सादी साहब ने किया है, गो कि आप उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है तो मैं चाहता हूँ आप 2 लाइंस इसके ऊपर फरमा दीजिएगा कुछ। उन्होंने कहा है कि जी आपने अभी इरशाद फरमाया कि कातिल जब कत्ल करता है तो उसकी मौत का मतलब, कोई आदमी मरता है तो मौत का वक्त आ चुका होता है, अगर वक्त ना आया हो तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे देते हैं, तो वो इस मरने का ताल्लुक कातिल से नहीं है। अगर इंसान अपनी मौत के मुकर्ररा वक्त पर ही मरता है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया गया हो, तो फिर कातिल को सजा कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है जब वो अपने मुकर्रर टाइम पे मर रहा है? उसने ठीक है गोली से नहीं, हार्ट अटैक से मरना था, मरना तो था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कातिल को नहीं पता था कि इसको मरना था।
ऐसा ही तो अल्लाह ताला को पता है ना कि उसको मरना था उस वक्त के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा आपने चीज की वजाहत तो कर दी थी लेकिन उनका सवाल था तो आपके सामने रख दें। कुरान मजीद की हिफाजत एक मौजजा है, क्या इसी तरह दुनिया की कोई और किताब भी महफूज तसव्वुर की जाती है? दुनिया की कोई किताब इस तरीके से महफूज तसव्वुर नहीं की जाती और नहीं की जा सकती है। कुरान करीम की हिफाजत, हाँ ये हो सकता है कि आज के दौर में जबकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई है और एक किताब के हजारों नुस्खे हैं, तो आप आज से ये कह दें कि भाई कुरान को जिस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, आज से लेकर हम अगले 2000 साल तक इस किताब को भी प्रिजर्व करेंगे, तो आपके सामने एक नमूना है। कुरान करीम को आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हम इस तरीके से उसकी हिफाजत करेंगे, तो वो पॉसिबल है। लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं और उस जमाने में किसी भी किताब को उस तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जा सका, तो कुरान करीम की हिफाजत जो है वो यकीनन अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजजा है कि जिसका इजहार फिर किसी दूसरी किताब और किसी दूसरी रिलीजियस स्क्रिप्चर के साथ नहीं हुआ है। ठीक शेख, आपकी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं। जफर साहब ने जी पूछा है, कहते हैं कि जी अल्लाह ताला के वजूद की कोई अकली तीन दलाइल क्या हो सकते हैं, फरमाइएगा। अकली तीन दलाइल तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं उसके वजूद की एक ही दलील दे देता हूं। दे दीजिए। और दलीलें बहुत सारी हैं, उनमें एक दलील जो है वो जिसको हम कहते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि एवरीथिंग दैट बिगेन्स टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज के जिसका आगाज होता है उसका कोई ना कोई सबब होता है। इस यूनिवर्स का आगाज हुआ है, ये दोनों चीजें हतमी तौर पर साबित हैं, लिहाजा इस यूनिवर्स का सबब है, वो जो प्राइम कॉज है वही खुदा है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं उस कॉज का भी कोई ना कोई कॉज होगा, तो इसका जवाब यह है कि फिर अगर आप यूं ही चलते रहे कि उस कॉज का कॉज होगा, उस कॉज का कॉज होगा, तो इसको हम मंतिक की जबान में तसलसल और इन्फिनिट रिग्रेस बोलते हैं, अतिल। तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने कुरान के मौजे और दीगर किताबों की हिफाजत वगैरह के हवाले से जवाब दिया था, उसी के तनाजुर में एक साहब ने सवाल किया है कि जब मुमकिन नहीं है तो ये यकीन से कैसे कह सकते हैं जनाब के कुरान महफूज है? मैं नहीं समझता कि उनके नजदीक यानी ये चीज जो है, अगर वो सामने होते उनसे पूछता कि किसी भी चीज के महफूज होने का मेयार क्या है, अगर वो ये बता देते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन चूंकि वो सामने नहीं है तो मैं फिर भी इसकी वजाहत कर देता हूं। वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज सहाबाए किराम को सिखाए हैं वो मैस ट्रांसमिशन के साथ हम तक पहुंचे हैं, और किसी भी चीज का मैस ट्रांसमिशन उसके और उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो, मैस ट्रांसमिशन हो और कोई तब्दीली ना हो, ये उसके महफूज होने की सबसे बड़ी दलील है। मैन्यूस्क्रिप्ट दलील नहीं होता, इसी वजह से हम इस बात के कायल नहीं है कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह अनहुम के जमाने का कोई मुकम्मल कुरानी नुस्खा किसी म्यूजियम में महफूज है। हम इसको बुनियादी दलील तसव्वुर नहीं करते। बुनियादी दलील यह है कि कुरान का सहाबाए किराम रजी अल्लाह अनहुम से लेकर आज तक मैस ट्रांसमिशन हुआ है और बगैर किसी तब्दीली के, कि जो कुरान मोरक्को में एक हाफिज पढ़ रहा है वही कुरान मलेशिया में दूसरा हाफिज पढ़ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, यही उसके महफूज होने की दलील है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। मुफ्ती साहब, सवालात आपके लिए बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं बार बार आखिरी सवाल कह के आपसे वादा खिलाफी करता आया हूँ, तो अब हम मज़ीद आपके साथ वादा खिलाफी नहीं करते, और आपका वक्त बहुत कीमती है, शुक्रिया। आपने बहुत मैनेज किया हमारे लिए और बग़ैर किसी नागवारी के, वरना सेशन तो हमने बहुत मुख्तसर आपसे करने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद लोग जुड़ते गए, सवाल आते गए और हम उसको फैलाते चले गए। लेकिन मैं अगर दिल की बात कहूँ तो मुफ्ती साहब, ये मेरे लाइफ का बेहतरीन जो कुछ चंद एक सेशंस हैं उनमें से आज का ये वक्त था जो मैंने पर्सनली भी आपके साथ स्पेंड किया है, जिस लॉजिक के साथ, दुनियावी दलाइल के साथ, और जिस इल्मी बुनियाद पे आपने चीज़ों को वाजे किया है, ये बहुत वंडरफुल, बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे सवालात के जवाब दिए।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन, दुआ की दरख्वास्त। आप भी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी हम बिनौलिया मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जहमत देते रहेंगे, और ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा वो वक्त भी लाए कि आप खुद बिनौलिया मीडिया तशरीफ़ लाएँ, जामिया बिनौलिया आएँ और यहाँ हम आपके साथ बैठ के कोई गुफ्तगू करें और इंशाल्लाह आपके साथ कोई सेशन करें। अल्लाह ताला वो वक्त भी लाएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आने के लिए और हमारे हमें इतना ज़्यादा वक्त देने के लिए पूरी बिनौलिया मीडिया की टीम की तरफ से जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन कराम बताते चलें, मारूफ मजहबी स्कॉलर और बिलखसूस इल्हाद के मुकाबिल खड़े होकर दावत हक कहने वाले आलम दीन जनाब शेख मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया और आपके कमेंट्स जिस तरह मेरे पास आ रहे थे यकीनी तौर पर आप भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो नशीद सीरीज़ होगी और साथ ही मुकाबला हुस्न नात का भी अहतमाम किया जाएगा। तो लेते हैं छोटा सा वफा और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।